वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर देश का अन्नदाता आज अन्न से दूर है। कहने का मतलब यह है कि किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर यह जिम्मा भारतीय किसान यूनियन ने संभाला है, तो वहीं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर यह जिम्मा पंजाब से आए किसान नेताओं ने संभाला है। इस बीच राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान लगातार तीसरे दिन धरने पर बने हुए हैं। किसान देश भर में जिला मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसानों के भूख हड़ताल को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन तो मिला ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। स्वदेशी जागरण मंच ने MSP की अनिवार्यता को बनाए रखने पर बल दिया है। इस बीच किसान आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए कृषि मामलों से जुड़े ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत ग्रुप से जुड़े मंत्री इस मामले का समाधान निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। खबर ये भी आई है कि मानों के तीन जो किसान नेता हैं उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, आखिर क्या वजह है? मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है उस कि जितने वो किसी चीज से नाराज हो गए होंगे उनसे, क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया, क्योंकि आसपास में बहुत सारे किसान खड़े हैं। आपको लग रहा है कि किसानों में अब आज हमारे ना ना कोई समझौता और कर लिया होगा, जिसको जितना अकल है उतना ही काम करेगा वो। इनको बल देने के लिए, सम्मान देने के लिए जितने भी हमारे किसान भाई पहुंचे हुए यहां पर, वो भानु से नाराज होकर इस्तीफा दिया कि उन्होंने समझौता क्यों करा। और एक संगठन है, उस संगठन से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफे दिए कि इनको समझौता नहीं करना चाहिए था, इनको किसानों के साथ में रहना चाहिए था। सरकार मिल गया होंगे, उन्होंने ज्ञापन दे दिया होगा, चले गए। ये कुछ नहीं बनने का, ये किसान ना जा रहा कहीं, ये यही रहेगा। ये तो सरकारी संगठन है, तो सरकारी संगठन भी तो है ना देश में, तो बहुत तरह के लोग आवेंगे यहाँ। साथी हमारे टालियों में बैठे हैं, इस तरीके के कई, अगर अभी देखिए हरियाणा के भी कुछ किसानों ने सरकार से मुलाकात, हाँ मुलाकात करी, उस बिल का समर्थन भी किया, आपको नहीं लग रहा है बीच में कहीं ना कहीं चीजें? हम सरकार को जगाना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम कितने दिनों, 19-20 दिन आज हो गए हम सड़कों पर बैठे हैं। उसके लिए हमने आज सोचा, जो सारे लीडर है, अगली कतार के हमारे 40 लीडर, सभी जो बैरियर है, सभी नाकों पर जहाँ जहाँ भी है वहीं बैठेंगे। जमें जहाँ 15-20 पर जहाँ बैठेंगे, टिकरी पर बैठेंगे, जड़ा परे है अपना यूपी बॉर्डर पर बैठेंगे, सभी बॉर्डरों पर हम अनशन आज 8 बजे से 5 बजे तक हम बैठेंगे। जहाँ पर 25 लोग होंगे, हाँ जितने जहाँ लोग हैं, बाकी टिकरी में है 10 लोग होंगे, 5 लोग वहाँ यूपी वाले बॉर्डर में होंगे। इस तरह संयुक्त मोर्चे के जितने भी लीडर हैं सभी बैठेंगे। कृषि आंदोलन से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए हम लगातार बने हुए हैं। आपको हमारे साथ बने रहना है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए, और बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।